Hello students, here in this lecture we will discuss about the successive differentiation. यहाँ पर हम लोग आज के लेक्चर में बात करेंगे successive differentiation से related कुछ फॉर्मूले को derived करेंगे जिससे कि आप लोग क्वेश्चन उससे related सॉल्व करोगे. यहाँ पर successive differentiation हम लोग two parts में divide करेंगे. First part आपका रहेगा जिसमें कि हम लोग फॉर्मूले का derivation करेंगे, कुछ फॉर्मूले का derivation देखेंगे and then उससे रिलेटेड हम उस फॉर्मूले से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे. नाउ जो सेकेंड लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग बात करेंगे लेबनिट्स थ्योरम से रिलेटेड. जैसे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मोस्ट पार्ट्स जो कि लेबनिट्स थ्योरम से रिलेटेड होता है जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. बट उससे रिलेटेड देखने वो लेक्चर देखने से पहले आपको ये लेक्चर समझ में आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मूला है उस लेक्चर में आपका यूज होने वाला है लेबनिट्स थ्योरम में. इसलिए आपको ये फॉर्मूला जो हम लोग आज के लेक्चर में डेराइव करने वाले हैं वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि कैसे डेराइव करें क्योंकि डेरिवेशन आपको एग्जाम में पूछा नहीं जाता है. बट आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर डेरिवेशन यहाँ पर डेराइव करूंगा फॉर्मूला. देन आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोग इजीली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला जो कि हम लोग डेराइव करेंगे तो आपको समझ में आएगा. तो देखिए सबसे पहले डेरिवेशन से रिलेटेड बात करने से पहले आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन किस नाम से जाना जाता है और उसे कैसे डोनेट किया जाता है. देखिए सक्सेसिव डिफरेंशिएशन जैसे कि आपको पता होगा डिफरेंशिएशन आपने किया होगा, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपको पता होगा राइट. वो डिफरेंशिएशन आपको पता है बट यहाँ पर एक टर्म शो किया गया है सक्सेसिव. अभी जैसे कि सक्सेसिव के नाम से ही पता चल रहा है कि मतलब कि इसका जो डिफरेंशिएशन रहेगा उसको सक्सेसिवली हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे. मतलब क्या हुआ लेट्स टे वन एग्जाम्पल कि लेट से कि कोई फंक्शन गिवन है वाई इज इक्वल टू क्या गिवन है आपका कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स राइट. वाई का वैल्यू जो है उसको फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स. अभी हम लोग ने क्या हमें डिफरेंशिएशन पता है राइट. अगर हमें इसे इसका डिफरेंशिएशन करना है इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है तो हम लोग कैसे करते थे डीवाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या करते थे फंक्शन का डेरिवेटिव सिंपली एफ डेस ऑफ एक्स इस तरह से हम लोग करते थे राइट. ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन का मतलब कि जो भी फंक्शन है उसका डीवाई बाई डी एक्स करने पर जो भी राइट हैंड साइड में भी क्या करना पड़ता है डिफरेंशिएशन. ये तो हो गया फर्स्ट डिफरेंशिएशन. नाउ आपको पता होना चाहिए कि जो डीवाई बाई डी एक्स होता है हम लोग इसे दो फॉर्म्स में डोनेट कर सकते हैं. फर्स्ट फॉर्म दैट इज इसे हम लोग वाई डैश के फॉर्म में भी डोनेट कर सकते हैं और अदरवाइज हम लोग इसे वाई वन के भी फॉर्म में डोनेट करते हैं. वाई डैश इज ऑल्सो नथिंग बट डीवाई बाई डी एक्स, वाई वन इज ऑल्सो नथिंग बट डी वाई बाई डी एक्स. तो ये आपको याद रखना है दैट इज वाई डैश एंड वाई वन बोथ आर द सेम लाइक डी वाई बाई डी एक्स. ये तो हो गया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव. नाउ अगर हमें डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या करते हैं इसी फंक्शन जो डेरिवेटिव किए इसको हम लोग क्या करेंगे फिर से डेरिवेटिव करेंगे दैट इज एफ डबल डैश ऑफ एक्स राइट. अगर आपको इसे डोनेट करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इस फॉर्म में तो आप लोग या तो इस तरह से भी डोनेट करोगे फिर भी करेक्ट है अदरवाइज वाई टू इस तरह से भी डोनेट करोगे फिर भी करेक्ट है. लेट से कि हम लोग इसको फिर से एक बार डेरिवेटिव करते हैं. यहाँ पर देखिए अभी समझ में आएगा एक्चुअल में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है. यहाँ पर मैं समझाने के लिए आपको इस तरह से कर रहा हूँ. देखिए अभी मैं यहाँ क्या किया फिर से एक टाइम्स वन टाइम्स फिर से डेरिवेटिव किया मतलब ये डी थ्री एक्स डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब. तो राइट हैंड साइड में भी होगा थर्ड डेरिवेटिव दैट इज एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स राइट. ये हो गया आपका एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स. अब नाउ डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू को आप चाहे तो इस तरह से भी डोनेट कर सकते हो वाई ट्रिपल डैश अदरवाइज वाई ऑफ थ्री जैसे भी आपको सूटेबल लगता है आप उस तरह से भी करोगे करेक्ट रहेगा. दोनों फॉर्म आपका करेक्ट है आप चाहे तो इस तरह से डोनेट करो चाहे तो इस तरह से डोनेट करो. नाउ सिमिलरली ये क्या हो गया फंक्शन था फंक्शन को आपने वन टाइम्स डेरिवेटिव किया फंक्शन को आपने टू टाइम्स डेरिवेटिव किया फंक्शन को आपने थ्री टाइम्स डेरिवेटिव किया. अभी नाउ इसी तरह अगर आप डेरिवेटिव करते जाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको क्या करना पड़ेगा एन टाइम्स डेरिवेटिव करना पड़ेगा दैट इज डी एन वाई अपॉन डी एक्स रेस टू एन. नाउ अभी इसी का डेरिवेटिव करने के लिए राइट हैंड साइड में भी डेरिवेटिव सेम करना पड़ेगा आपको सेम. तो राइट हैंड साइड में भी क्या हो जाएगा आपका एफ एन टाइम्स एक्स. सिमिलरली अगर आप चाहे तो इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हो दैट इज वाई एन अदरवाइज वाई ऑफ एन. आप चाहे तो इस तरह से भी डोनेट कर सकते हो.
अभी ना इसका मतलब क्या हुआ, देखिए हम लोग ने क्या किया, वाई कोई फंक्शन गिवन था, अब हम लोग ने वन टाइम्स डेरिवेटिव किया, टू टाइम्स डेरिवेटिव किया, थ्री टाइम्स डेरिवेटिव किया, एंड सो ऑन एन टाइम्स डेरिवेटिव किया। इस फॉर्म को ही हम लोग बोलते हैं, दैट इज वाई एन। इसे आप चाहे तो इस तरह से डोनेट कीजिए, अदरवाइज आप इस तरह से डोनेट कीजिए, बोथ आर द करेक्ट। इसी फॉर्म को हम लोग बोलते हैं दिस एवव टर्म इज नोन एज, नोन एज क्या बोलते हैं इसे, इसे ही हम लोग नाम बोलते हैं, दैट इज सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। अभी आपको समझ में आएगा कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्यों नाम गिवन है, अभी आपको मैं आपको बताता हूं। देखिए इसे ही हम लोग, जो इस तरह से हम लोग ने डेरिवेटिव किया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बोला करते हैं। देयरफॉर दिस इज, दिस अबव टर्म इज नोन एज सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। अभी ना हम लोग देखिए किया क्या, फंक्शन गिवन था, हम लोग ने किया एफ डैश ऑफ एक्स किया, डी स्क्वायर वाई डीवाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एफ डबल डैश ऑफ एक्स किया, डी क्यू अपॉन डी एक्स क्यू किया, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स किया, एंड सो ऑन, इस तरह से एन टाइम्स, दैट इज सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। किस लिए बोला गया है, आपने डी क्यू किया, डी फोर करोगे, डी ए डी फाइव करोगे, एंड सो ऑन, अगर आप एन टाइम्स करोगे एफ रेस टू एन एक्स, मतलब कि आपको एन टाइम्स करना पड़ेगा इस डिफरेंशिएशन में, और इसी एन टाइम्स डिफरेंशिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे ही हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। और इट इज डोनेटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय डी एन वाई अपॉन डी एक्स रेस टू एन, अदरवाइज आप चाहे तो इस तरह से भी इसे डोनेट कर सकते हो, बोथ आर द करेक्ट। इट इज डोनेटेड बाय डी रेस टू एन वाई अपॉन डी एक्स रेस टू एन और वाई एन, दिस इज नोन एज अ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन एंड nth order of a differential equation। अब इसे चाहते हो बोल सकते हो nth order of successive differentiation, otherwise d raise to n y upon dx raise to n। तो ये क्या होता है आपका, successive differentiation होता है। अभी ना हम लोग, अभी देखिए कोई भी function आपको given रहेगा, आप तो ऐसा नहीं कर सकते हो कि हर function का आप d square y upon dx square find करोगे, dq x upon dq y upon dx q find करोगे, ऐसा तो आप करने वाले नहीं हो। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल, हम लोग यहाँ पर लेते हैं, देन आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में हम लोग कर क्या रहे हैं। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल अगर हमें गिवन है, लेट्स से कि फंक्शन वाई इज इक्वल टू गिवन है, लेट्स टेक कि अगर साइन एक्स गिवन है, साइन एक्स गिवन है, अभी हम लोग इसका अगर वन टाइम्स डेरिवेटिव करेंगे, दैट इज वाई डैश अगर करेंगे, या तो वाई वन करेंगे, लेट्स से वाई वन अदरवाइज वाई डैश, आप लोग चाहे तो इस तरह से लिख सकते हो। साइन एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है कॉस एक्स होता है, राइट है। अगर आप वाई टू करोगे तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका, माइनस साइन एक्स। वाई थ्री करोगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव, दैट इज माइनस ऑफ कॉस एक्स। वाई फोर करोगे तो यहां पर माइनस कॉस एक्स, दैट इज प्लस क्या हो जाएगा आपका, साइन एक्स। सिमिलरली अगर आप वाई फाइव करोगे तो आपको साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। अगर मैं बोलू आपको कि वाई एन क्या हो जाएगा, अभी वाई एन क्या हो जाएगा, तो इस तरह से आप वाई सिक्स वाई सेवन वाई एट, इस तरह से तो आप करने वाले नहीं होंगे। तो इसके लिए आपको क्या पता है क्या कुछ, किसके लिए इसका आंसर क्या होगा, वाई एन का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप पूरा करोगे तभी आपको पता चलने वाला है, राइट है। देयरफॉर हम लोग क्या यूज करते हैं यहाँ पर, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि देखिए आप लोग एक बार फंक्शन का अगर आप वन टाइम्स टू टाइम्स थ्री टाइम्स फोर टाइम्स डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो आप फाइंड कर सकते हो, बट अगर उसी फंक्शन का अगर आपको एन टाइम्स डेरिवेटिव फाइंड करना है तो आपको पॉसिबल नहीं है, आप सबका डेरिवेटिव करते नहीं जाओगे, इतना हमारे पास टाइम नहीं है। इसके लिए यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं, और इसमें जो हम लोग अभी फार्मूला डिराइव्ड करेंगे उसी फार्मूले का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दैट इज अगर आपको साइन एक्स का अगर आपको एंथ डेरिवेटिव फाइंड करना है तो हम लोग जो फार्मूला डिराइव्ड करेंगे तो वहां पर इस फार्मूले का यूज होगा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में। देन आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन देखिए आप लोग डोनेट, आपको आपको इस तरह से डोनेट करना है, डी रेस टू एन वाई अपॉन डी एक्स रेस टू एन अदरवाइज वाई एन। देखिए सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हम लोग यूज किस लिए करते हैं, क्योंकि अगर आप
साइन एक्स का आपने डेरिवेटिव 5-6 टाइम्स आप करते जाओगे, आपको तो मिलेगा। बट कोई अगर कोई ऐसा फंक्शन दे दिया, लेट से कि अगर आपको 1 अपॉन एक्स प्लस, लेट से x+1 रेस टू 6, आपको अगर इस तरह का कोई फंक्शन दे दिया और इसका अगर आपको बोल दिया गया कि nth डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए, तो आप क्या इसे 2 टाइम्स डेरिवेटिव कर सकते हो, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स तक कर सकते हो। बट आगे अगर आप करोगे तो आपको थोड़ा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड होगा। इसलिए हम लोग क्या यूज करते हो करते हैं nth डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो। बट यहाँ पर ये तो बात हुआ वर्किंग रूल, जो कि वर्किंग रूल में तो डाउट नहीं होना चाहिए। वर्किंग रूल में हम लोग ने देखा कोई भी फंक्शन रहेगा उसका डेरिवेटिव हम लोग ने इस तरह से किया, राइट। कोई फंक्शन था यहाँ पर, हम लोग ने इसे यहाँ पर y5 तक किया। बट अगर आपको इसी तरह अगर yn का डेरिवेटिव फाइंड करना है तो आप कितने टाइम तक आप डेरिवेटिव करोगे, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। जो कि नाउ हम लोग देखते हैं फॉर्मूला, कुछ डेराइव करेंगे, देन आपको समझ में आएगा कि कैसे फॉर्मूला को डेराइव करता है। और उस वह फॉर्मूला जो हम लोग डेरिवेशन करेंगे, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बाय यूजिंग द क्वेश्चन। जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर उस फॉर्मूले का यूज होने वाला है, और जो कि आपको याद रखना है। नाउ हम लोग देखते हैं कि फॉर्मूला, बट यहाँ पर फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको डिफरेंशिएशन का किसी फॉर्मूला, आपको अगर डेरिवेटिव का फॉर्मूला नहीं आता होगा तो प्लीज सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और वीडियो को कट करके आप पहले फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, देन इस वीडियो को देखिए। क्योंकि यहाँ पर आपको दो चीज यहाँ पर मैं बता देता हूँ, कोई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको इससे रिलेटेड हेल्प करेगा। फर्स्ट थिंग्स, डिफरेंशिएशन का आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। डिफरेंशिएशन ऑफ फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला पता है देन इस वीडियो को आप देख सकते हो, अदरवाइज आप प्लीज पहले फॉर्मूला आप लोग एक बार देख लीजिए, देन आपको कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप इजली सॉल्व कर सकते हो। देयरफॉर मैं आपको बोल रहा हूँ फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए एक बार, देन आप लोग को ईजी पड़ेगा फार्मूला। और दूसरा जो रहेगा आपका पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, पार्शियल फ्रैक्शन। अगर पार्शियल फ्रैक्शन आप लोग नहीं भी देखे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा कि पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। बट मस्ट यू मस्ट रिमेम्बर फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, देन यू कैन सॉल्व इजली बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। नाउ सी डेरिवेशन ऑफ द सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। नाउ सी डेरिवेशन ऑफ nth ऑर्डर फंक्शन। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डेराइव करेंगे कुछ फंक्शंस जो रहेगा आपका इंपॉर्टेंट फंक्शन, जो कि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर इस फंक्शन का यूज होने वाला है। देखिए खाली आपको डेरिवेशन आपको समझना है, आपको एग्जाम में डेरिवेशन पूछा नहीं जाता है। बट यहाँ पर आपको डेरिवेशन समझ में आ जाएगा तो आप लोग क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। तो नाउ हम लोग एक एक करके एक एक फंक्शन का हम लोग क्या करेंगे, nth ऑर्डर फाइंड करेंगे। nth ऑर्डर देखिए कैसे फाइंड करेंगे। लेट से कि सबसे पहला जो फंक्शन हम लोग लेंगे y इज इक्वल टू ax + b रेस टू m, देन आपको फाइंड क्या करना है इसका y n क्या होगा, दैट इज इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सबसे पहले देखिए y इज इक्वल टू ax + b रेस टू m, इसका अगर y n फाइंड करना है तो हम लोग सबसे पहले पता है y 1 डोनेट करते हैं, दैट इज फर्स्ट डेरिवेटिव को। तो फर्स्ट डेरिवेटिव इसका कैसे करेंगे, दैट इज m इंटू ax + b रेस टू m-1। जैसे कि हम लोग ने क्या यूज किया, फॉर्मूला यूज किया, फॉर्मूला आपको पता होगा फर्स्ट डेरिवेटिव दैट इज m इंटू ax + b रेस टू m-1। फॉर्मूला हम यहाँ पर मैं आपको एक बार बता देता हूँ, यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग ने कौन सा फॉर्मूला यूज किया। अगर लेट से कि अगर आपको डेरिवेटिव करना है x रेस टू n का, अगर आपको डेरिवेटिव करना है तो फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू x रेस टू n-1। तो सेम फार्मूला हम लोग यहाँ पर इसी फॉर्मूले का यूज किया, दैट इज y1 क्या हो जाएगा, m इंटू ax + b रेस टू m-1। नाउ सेकेंड, अभी इसका हम लोग क्या करना है, सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। आप समझिए पहले, देखिए अगर एक बार आप समझ जाओगे तो आप आगे जो भी डेरिवेशन रहेगा आप लोग किसी भी डेरिवेशन को आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए m इंटू, अब ना फिर से इसका डेरिवेटिव करोगे तो ax + b रेस टू m-1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, m-1, और यहां पर क्या हो जाएगा, ax + b रेस टू क्या हो जाएगा, m-2, राइट है। सिमिलरली अगर आप इसका y3 दैट इज थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो क्या मिल जाएगा, दैट इज m m-1
एम माइनस टू ए एक्स प्लस बी रेस टू क्या हो जाएगा एम माइनस थ्री। सिमिलरली आप ये तो हो गया थर्ड डेरिवेटिव। नाउ सिमिलरली अगर हमें फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करना है तो फोर्थ डेरिवेटिव क्या मिल जाएगा यहाँ से एम एम माइनस वन एम माइनस टू एम माइनस थ्री एक्स प्लस बी रेस टू क्या हो जाएगा एम माइनस फोर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं। और एक चीज हम लोग ने और भी लिखना भूल गए, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा क्या किया। देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसका अगर हमें डेरिवेटिव फाइंड करना तो ए एक्स प्लस बी रेस टू एम एम इंटू ए एक्स प्लस बी रेस टू एम माइनस वन। बट यहाँ पर अगर आप ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए से, राइट है। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी रेस टू एम माइनस वन, तो ए तो पहले था ए स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप फिर से इसका डेरिवेटिव करोगे तो एम इंटू एम माइनस वन इंटू एम माइनस टू ए एक्स प्लस बी रेस टू एम माइनस थ्री, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो ए मिलेगा और पहले का ए स्क्वायर क्या हो जाएगा ए क्यू। सिमिलरली यहाँ पर देखिए एम एम माइनस वन एम माइनस टू एम माइनस थ्री ए एक्स प्लस बी रेस टू एम माइनस फोर, और यहाँ से मिल जाएगा ए रेस टू फोर। अभी ना आपको समझ में आ रहा है हम लोग कर क्या रहे हैं। यहाँ पर देखिए अगर जैसे जैसे आप डेरिवेटिव इंक्रीज कर रहे हो, लेट से कि अगर हमें फाइंड करना है वाई एन फाइंड करना है तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पर बहुत ईजी है, देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग। देखिए एम एम माइनस वन एम माइनस टू एम माइनस थ्री एक्स प्लस बी रेस टू एम माइनस फोर, मतलब देखिए जैसे जैसे डेरिवेटिव इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर एम था यहाँ पर एम माइनस वन एम माइनस वन एम माइनस टू एम माइनस वन एम माइनस टू एम माइनस थ्री एंड सो वन एम माइनस फोर। और देखिए यहाँ पर इसका पावर में देखिए क्या इंक्रीज हो रहा है, एम माइनस वन एम माइनस टू एम माइनस थ्री एम माइनस फोर एंड सो वन। अगर आप एन टाइम्स करोगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर देखिए, देखिए अगर आप इसे एन टाइम्स करोगे तो क्या मिल जाएगा एम इंटू एम माइनस वन एम माइनस टू एम माइनस थ्री एंड सो वन। इसी तरह से अगर आप इसे इंक्रीज करते जाओगे तो आपको एक टाइम्स ऐसा आएगा कि एम माइनस एन एम माइनस एन, क्योंकि देखिए m माइनस थ्री एम माइनस फोर एम माइनस फाइव, तो एक टाइम्स ऐसा आएगा कि m माइनस एन हो जाएगा, क्योंकि nth डेरिवेटिव कर रहे हो तो m माइनस एन प्लस वन तक जाएगा m माइनस एन प्लस वन। और यहां पर अगर आप ए एक्स प्लस बी रेस टू एम माइनस फोर एम माइनस फाइव एम माइनस सिक्स इस तरह से अगर होगा तो ये जो nth डेरिवेटिव इसका मिलेगा दैट इज m माइनस एन मिलेगा। और ए स्क्वायर ए क्यू ए रेस टू फोर अगर आप n टाइम्स करोगे तो ये मिल जाएगा ए रेस टू एन। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला ऑफ फॉर्मूला किसका हो गया y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी रेस टू एम का। ये तो सिंपल फॉर्मूला था, क्या किया हम लोग ने देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव किया सेकेंड थर्ड फोर्थ। अगर आप इसे m n टाइम्स करोगे तो m m माइनस वन एम माइनस टू एम माइनस थ्री एम माइनस फोर एंड सो वन एम माइनस एन प्लस वन तक जाएगा। ये बात याद रखना, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स खाली m माइनस एन लिखते हैं बट हमें क्या मिलेगा m माइनस एन प्लस वन। सिमिलरली देखिए ए एक्स प्लस बी रेस टू एम माइनस टू एम माइनस थ्री एम माइनस फोर, तो एन सो वन जैसे जैसे यहाँ पर अगर ये रिपीट होगा तो क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी रेस टू एम माइनस एन, और ए रेस टू फोर ए रेस टू फाइव ए रेस टू सिक्स, तो यहाँ पर ए रेस टू एन मिल जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दिस इज योर फर्स्ट फार्मूला, जो कि आपको ये फार्मूला याद रखना है। ये फार्मूला है जो कि आपको याद रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अभी ना हम लोग डिराइव करते सेकेंड फार्मूला रिलेटेड टू द सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पर देखिए क्या गिवन है, सेकेंड जो कि फार्मूला आपको डिराइव करना है, इफ y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी रेस टू माइनस एम देन वाई एन दैट इज nth डेरिवेटिव इज इक्वल टू माइनस वन रेस टू एन इंटू एम प्लस एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन एम माइनस वन फैक्टोरियल इंटू ए रेस टू एन अपॉन ए एक्स प्लस बी रेस टू एम प्लस वन। इससे आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। आपको y फंक्शन गिवन है इस फॉर्म में दैट इज ax प्लस बी रेस टू माइनस एम, इसका आपको प्रूफ करना है। ये yn है, इसका फॉर्मूला है, ये आपको फॉर्मूला आप बोल सकते हो इसे फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले को आपको डेराइव करना है बाय यूजिंग दिस फंक्शन। तो देखिए इसका जो कि सिंपल है, बहुत सिंपल है डेरिवेशन, आपको अगर डेरिवेटिव का फॉर्मूला पता होगा तो सिंपली आप सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। देखिए फंक्शन क्या गिवन है, सबसे पहले फंक्शन को हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, दैट इज क्या है ax प्लस बी रेस टू माइनस एम। नाउ हमें क्या डिराइव करना है, वाई एन डिराइव करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अगर वाई वन अगर कैलकुलेट करेंगे
तो यहाँ से देखिए क्या मिल जाएगा, माइनस एम ए एक्स प्लस बी रेस टू माइनस एम माइनस वन, राइट है। सिमिलरली अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे y2, दैट इज सेकेंड डेरिवेटिव, तो सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एम माइनस एम माइनस वन ए एक्स प्लस बी रेस टू। एक बात और भी याद रखना, जब भी आप फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हो तो ए एक्स प्लस बी का भी डेरिवेटिव करना है, तो ए एक्स प्लस बी का अगर आप डेरिवेटिव करोगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, राइट है। सिमिलरली अगर आप इसे सेकेंड डेरिवेटिव करोगे तो माइनस एम माइनस एम माइनस वन ए एक्स प्लस बी रेस टू माइनस एम हो जाएगा माइनस टू, और यहाँ पर ए एक्स प्लस बी का अगर डेरिवेटिव करोगे तो ए, और पहले का ए ए था तो हो जाएगा ए स्क्वायर। नाउ सिमिलरली थर्ड डेरिवेटिव करेंगे तो थर्ड डेरिवेटिव करने पर क्या मिलेगा यहाँ से, दैट इज वाई थ्री, वाई थ्री क्या मिल जाएगा यहाँ से, माइनस एम माइनस एम माइनस वन, यहाँ से अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे ए एक्स प्लस बी रेस टू माइनस एम माइनस टू का, तो क्या हो जाएगा, माइनस एम माइनस टू, और ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी रेस टू माइनस एम माइनस थ्री इंटू, इसका अगर डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा ए, और ए स्क्वायर पहले से था तो हो जाएगा ए क्यू, राइट। आई होप कि आपको समझ में आया। नाउ सिमिलरली अगर आप चाहे तो एंथ डेरिवेटिव अगर आप यहां से करोगे, दैट इज वाई एन अगर आप करोगे, तो वाई एन का वैल्यू जो मिल जाएगा यहां से, देखिए क्या मिल जाएगा, माइनस एम माइनस एम माइनस वन माइनस एम माइनस टू, ये इस तरह से लेट से कि माइनस एम माइनस थ्री एंड सो ऑन, इस तरह से ये रिपीट होते जाएगा, और एक टाइम्स ऐसा आएगा जो कि ये रिपीट क्या हो जाएगा, माइनस एम माइनस एन प्लस वन टाइम्स रिपीट होगा, माइनस एम माइनस थ्री माइनस फोर माइनस सिक्स एंड सो ऑन माइनस एन प्लस वन, प्लस वन तक रिपीट होगा, ये बात याद रखना, वाई एन लिखते समय प्लस वन तक आपका रिपीट होने वाला, दैट इज माइनस एम माइनस एन प्लस वन। नाउ यहां से क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको, दैट इज अगर आप इसे रिपीट कराओगे एन टाइम्स, अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो ए एक्स प्लस बी रेस टू क्या हो जाएगा, माइनस एम माइनस थ्री, देखिए माइनस वन था माइनस टू था माइनस थ्री था एन सो वन माइनस एम माइनस एन हो जाएगा यहाँ पर, माइनस एम माइनस एन, क्योंकि माइनस एम माइनस वन माइनस एम माइनस टू माइनस एम माइनस थ्री, तो एन सो वन अगर आप ये रिपीट होगा एन टाइम्स तो माइनस एम माइनस एन हो जाएगा। सिमिलरली देखिए यहाँ पर ए था ए स्क्वायर ए क्यू, तो एन टाइम्स अगर आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो रिपीट एन टाइम्स हो जाएगा, दैट इज ए रेस टू एन, राइट। आई होप कि आपको यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। जैसे ही आपको यहाँ पर मिल गया, बट आपको फाइंड करना है ये इस फॉर्म में, तो इस फॉर्म में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए सिंपली सबसे पहले माइनस वन रेस टू एन, तो माइनस वन रेस टू एन कैसे मिलेगा हमें, तो इसे अगर डिराइव करना है, दैट इज लेट से वाई एन का वैल्यू जो मिल जाएगा, हम लोग जो भी माइनस यहाँ पर गिवेन है, माइनस माइनस एम माइनस वन माइनस एम माइनस टू, इसे हम लोग कॉमन लेंगे, कितना टाइम्स हो रहा है, एन टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो माइनस वन रेस टू एन हो जाएगा। अगर आप माइनस वन रेस टू एन कॉमन ले लिए तो मिलेगा क्या यहाँ से आपको, एम एम प्लस वन हो जाएगा, राइट है, एम प्लस टू हो जाएगा, एम प्लस थ्री हो जाएगा, एन सो ऑन, यहां से माइनस एम की जगह पे एम हो जाएगा, माइनस एन की जगह पे प्लस एन, और प्लस वन की जगह पे माइनस वन, क्यों, क्योंकि हम लोग ने माइनस वन कॉमन ले लिया, तो यहां से क्या हो जाएगा, एम प्लस एन माइनस वन, और ये आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, दैट इज ए एक्स प्लस बी रेस टू क्या है आपका, माइनस एम माइनस एन इंटू क्या है, ए रेस टू एन। नाउ अभी देखिए हमें करना क्या है, यहां पर हम लोग करेंगे क्या, यहां से हमें क्या करना है, एम प्लस एन माइनस वन फैक्टोरियल लाना है डिवाइडेड बाय एम माइनस वन फैक्टोरियल, तो इसे हम लोग को लाने के लिए, फैक्टोरियल लाने के लिए, तो फैक्टोरियल हम लोग को पता है, जैसे कि हम लोग क्या करेंगे यहां पर देखिए, ये क्या गिवन है, एम प्लस वन एम प्लस टू एम प्लस थ्री एन सो वन एम प्लस एन माइनस वन, राइट है। अभी अगर हम लोग इसे लेट से कि यहां पर मैं लिखता हूं, इसको अगर हम लोग इस फॉर्म में लिख दे, माइनस वन रेस टू एन एम प्लस, ध्यान से देखिएगा मैं यहां पर करूंगा क्या, एम प्लस एन माइनस टू, देखिए एम प्लस एन माइनस वन, आपका एन टर्म ये था एम प्लस एन माइनस वन तक था, राइट है, तो मैंने यहां पर एम प्लस एन माइनस वन लिख दिया, इंटू क्या हो जाएगा, एम प्लस एन माइनस टू एम प्लस एन माइनस थ्री, इससे ये जो हो जाएगा,
एंड सो ऑन एम एम प्लस वन एम प्लस टू एम प्लस थ्री इस तरह से जाएगा एम प्लस थ्री राइट। यहां पर देखिए हम लोग ने किया क्या है, देखिए इससे जो भी वैल्यू था हम लोग ने इसे क्या किया रीअरेंज किया, मतलब कि इसे जस्ट अपोजिट लिखा, ये फंक्शन को जस्ट अपोजिट लिखा, ये वाले फंक्शन को यहां पर लिया दैट इज एम प्लस एन माइनस वन, तो नेक्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा एम प्लस एन माइनस टू, नेक्स्ट क्या हो जाएगा एम प्लस एन माइनस थ्री एंड सो ऑन। यहां से अगर आप इसे उल्टा लिखोगे तो यहां से देखिए एम प्लस थ्री हो जाएगा, यहां पर एम प्लस थ्री एम प्लस टू ये हो जाएगा एम प्लस वन एंड सो ऑन एम। ये देखिए यहां पर एम है, क्या किया हम लोग ने देखिए जस्ट अपोजिट लिखा, देखिए ये क्या था एम एम प्लस वन एम प्लस टू एम प्लस थ्री एंड सो ऑन इस तरह से था, तो हम लोग ने क्या लिखा इस फंक्शन को यहां पर लिखा, अगर इसे अगर आप डिक्रीज करोगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेकर जाओगे तो यहां से क्या हो जाएगा लेट से कि ये हो जाएगा कट हो जाएगा यहां पर एम प्लस एन माइनस वन, ये एम प्लस एन माइनस टू एक कम हो जाएगा, एम प्लस एन माइनस थ्री एक और कम हो जाएगा एंड सो ऑन, क्या हो जाएगा एम प्लस थ्री एम प्लस टू एम प्लस वन एंड सो ऑन एम। ये हो गया आपका फंक्शन, और नाउ यहां पर जो फंक्शन था आपका सेम था ए एक्स प्लस बी, लेट से यहां पर हम लोग कॉमन लेते माइनस तो एम प्लस एन हो जाएगा इंटू ए रेस टू एन राइट। नाउ हम लोग करेंगे क्या यहां पर देखिए, एक बार जैसे आपने क्या किया इसको अपोजिट में लिखा राइट है, इससे अपोजिट में लिखने के बाद हम लोग करेंगे क्या यहां पर हम लोग क्या करेंगे देखिए यहां पर वाई एन इज इक्वल टू माइनस वन रेस टू एन एम प्लस एन माइनस वन एम प्लस एन माइनस टू एंड सो ऑन एंड सो ऑन। क्या है यहां पर देखिए एम प्लस क्या है यहां पर एम प्लस थ्री एम प्लस टू एम प्लस वन है एम प्लस वन, देखिए एम प्लस थ्री एम प्लस टू एम प्लस वन एन एम हो जाएगा, मतलब कि जो एंड टर्म्स है आपका यम है राइट है यम तक आ रहा है। अगर हम लोग यहां पर अभी अगर हम लोग यहां पर एम माइनस वन एम माइनस टू एम माइनस थ्री एंड सो ऑन थ्री टू वन कर दें, सेम डिवाइड में कर दें डिवाइड कर दें यहां पर एम माइनस वन एम माइनस टू एम माइनस थ्री एंड सो ऑन थ्री टू वन राइट है। क्या किया यहां पर देखिए ध्यान से थोड़ा देखिए इंटू क्या है आपका यहां पर ए एक्स प्लस बी आपका सेम है रेस टू माइनस एम प्लस एन ए एन, तो ए एन हम लोग ने क्या किया इस तरह से लिया डिवाइड बाय माइनस, अगर डिनोमिनेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा दैट इज ए एक्स प्लस बी रेस टू एम प्लस एन राइट है। आपको ये टर्म्स मिल गया दैट इज ए रेस टू एन ए एक्स प्लस बी रेस टू एम प्लस एन। नाउ देखिए हम लोग ने किया क्या यहां पर हम लोग ने क्या किया मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया एम माइनस वन एम माइनस टू एम माइनस थ्री एंड सो वन थ्री टू वन। सिमिलरली देखिए मल्टीप्लाई यहां पर किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा क्योंकि अगर ये कैंसिल हो जाएगा, अगर आप इसे कैंसिल करना चाहते तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन है न्यूमरेटर देयरफॉर कैंसिल हो जाएगा, तो एम माइनस वन एम माइनस टू एम माइनस थ्री एंड सो वन थ्री टू वन, तो ये और ये गेट कैंसिल। देयरफॉर हम लोग ने किया क्या यहां पर देखिए यहां पर मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी यहां पर किया। इसको करने का क्या मतलब था देखिए यहां पर अगर आप देखोगे तो माइनस वन रेस टू एम प्लस एन माइनस वन एम प्लस एन माइनस टू एंड सो ऑन एम प्लस थ्री एम प्लस टू एम प्लस वन एंड एम, यहां तक डिक्रीज हुआ था एम तो यहां तक आ गया। अब ना इसके आगे क्या हो जाएगा फंक्शन आपका डिक्रीज हो रहा है कैसे एम से डिक्रीज हुआ एम माइनस वन एम माइनस टू एम माइनस थ्री एंड सो ऑन एम माइनस फोर एम माइनस फाइव एंड सो ऑन डिक्रीज होते 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 थ्री टू वन तक डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब ये हो गया जो न्यूमरेटर में आपको मिलेगा वो न्यूमरेटर में आपको फंक्शन मिल जाएगा किस तरह का एम प्लस एन माइनस वन फैक्टोरियल एम प्लस एन माइनस वन फैक्टोरियल राइट है। यहां पर ध्यान देने की बात यह है देखिए हम लोग ने एक टर्म्स यहां पर किया क्या किया ये जो फंक्शन है एम माइनस वन एम माइनस टू एम माइनस थ्री एंड सो वन थ्री टू वन न्यूमरेटर में किस लिए डिवाइड किया आपको डिवाइड इसीलिए किया क्योंकि अगर ये डिक्रीज होते जाएगा तो यहां पर एम तक डिक्रीज हुआ एम तक डिक्रीज हुआ दैट इज एम प्लस टू एम प्लस वन एंड एम राइट है।
एम के बाद और अगर डिक्रीज करना है, दैट इज क्योंकि आपको पता है फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल क्या होता है, टू इंटू वन, थ्री फैक्टोरियल क्या होता है, थ्री इंटू टू इंटू वन. तो सिमिलरली अगर आप एम प्लस एन माइनस वन फैक्टोरियल करोगे तो एम प्लस एन माइनस वन, एम प्लस एन माइनस टू, एन सो वन, एम एम माइनस वन, एम माइनस टू, एम माइनस थ्री, एन सो वन, थ्री टू वन. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एम प्लस एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एम माइनस वन, एम माइनस टू, एम माइनस थ्री, एन सो वन, थ्री टू वन होगा. तो यहाँ से जो मिलेगा डिनोमिनेटर में वो मिल जाएगा एम माइनस वन फैक्टोरियल. और ये जो आपका फंक्शन था वो फंक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा, दैट इज ए रेस टू एन अपॉन ए एक्स प्लस बी रेस टू एम प्लस एन. तो यही आपका डेरिवेशन था जो कि आपको डिराइव करना था, जो कि हम लोग ने यहाँ पर डिराइव कर दिया. डेरिवेशन देखिए बहुत ईजी था, करना क्या था यहाँ पर आपको मैं फिर से एक बार बता देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा. देखिए क्वेश्चन में आपको बोला गया था वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी रेस टू माइनस एम, आपको प्रूफ इस तरह से करना था. जैसे कि आपको फॉर्मूला पता है अगर वाई का फंक्शन कोई गिवन है इस तरह से, तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव आपको माइनस एम ए एक्स प्लस बी रेस टू माइनस एम माइनस वन, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा ए, राइट है. इसका अगर आप सेकेंड डेरिवेटिव फाइन करोगे तो माइनस एम माइनस एम माइनस वन ए एक्स प्लस बी रेस टू माइनस एम माइनस टू, ये हो जाएगा ए स्क्वायर. समझ में आया क्या किया, ए स्क्वायर. सिमिलरली अगर थर्ड डेरिवेटिव फाइन करोगे तो माइनस एम माइनस एम माइनस वन, तो इसका अगर आप थर्ड डेरिवेटिव करोगे तो माइनस एम माइनस टू, और यहां पर हो जाएगा रेस टू पावर में माइनस एम माइनस थ्री इंटू ए क्यूब. अगर इसी तरह से अगर आप एंथ डेरिवेटिव फाइन करोगे तो एंथ डेरिवेटिव में देखिए क्या हो जाएगा, माइनस एम माइनस एम माइनस वन माइनस एम माइनस टू माइनस एम माइनस थ्री एन सो ऑन माइनस एम माइनस एन प्लस वन. देखिए माइनस एम माइनस फोर माइनस फाइव माइनस एम माइनस सिक्स माइनस एम माइनस सेवन माइनस एफ माइनस एट एन सो ऑन माइनस एम माइनस एन आएगा, प्लस वन टाइम्स क्या होगा ये जाएगा माइनस एम माइनस एन प्लस वन इंटू ए एक्स प्लस बी रेस टू माइनस एम माइनस एन इंटू ए रेस टू एन, राइट है. अगर ये एन टाइम्स जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, और ये एन टाइम्स ए ए स्क्वायर ए क्यू ए रेस टू एन तक आ जाएगा एंथ डेरिवेटिव लेने पर. नाउ हम लोग ने देखिए यहां पर क्या करें, यहां पर माइनस वन, यहां पर क्या किया हम लोग ने, माइनस कॉमन लिया, तो आपको क्या मिल जाएगा माइनस वन रेस टू एन. अगर आप माइनस कॉमन लेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा एम प्लस वन एम प्लस टू एम प्लस थ्री एन सो वन एम प्लस एन, प्लस की जगह पे यहां पर माइनस, क्यों, क्योंकि हम लोग ने माइनस कॉमन लिया, राइट है. यहां पर अभी नाउ यहां पर देखिए क्या किया, एक्स प्लस बी रेस टू माइनस एम माइनस एन जो था सेम रखा. अभी नाउ हम लोग इसे करेंगे क्या, ये जो एम प्लस एन माइनस वन है जस्ट अपोजिट लिखा. क्यों लिखा, यहां पर लिखने का यही उद्देश्य हम लोग का था कि देखिए अगर एम प्लस एन माइनस वन लिखेंगे तो सेकेंड वाला फंक्शन क्या हो सकता है, एम प्लस एन माइनस टू, थर्ड वाला क्या हो सकता है, एम प्लस एन माइनस थ्री एन सो वन एम प्लस थ्री एम प्लस टू एम प्लस वन. देखिए एम प्लस थ्री एम प्लस टू एम प्लस वन एन एम, इसे जस्ट अपोजिट लिखा तो आपको इस तरह से मिल गया. ये फंक्शन में हम लोग ने क्या किया, माइनस कॉमन लिया तो एम प्लस एन रेस टू ए रेस टू एन मिल जाएगा. अभी ना हम लोग ने देखिए यहां पर खाली इस पॉइंट को आपको नोटिस करना है, दैट इज अगर आपको माइनस वन रेस टू एन, अभी तक हम लोग ने देखा था कि ये कहां तक, एम तक रिपीट हो रहा था, राइट है, एम तक रिपीट हुआ, यहां तक आपका सेम था एम तक. लेट से कि मैं यहां पर ऐसा आपको बना देता हूं जिससे कि आपको समझ में आएगा, यहां तक आपका सेम था माइनस एम यहां तक, इसे भी हम लोग ब्रैकेट में डाल देते जिससे कि आपको कंफ्यूज ना हो. देखिए ये फंक्शन तो आपका सेम था, यहां पर लिख दिया. अभी नाउ हमें क्या पता है कि जब भी अगर हमें एम प्लस एन माइनस वन का फैक्टोरियल चाहिए तो एम के बाद भी डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है, जैसे कि पता क्या हमें, अगर हम लोग लेट से कि फोर फैक्टोरियल निकालते हैं तो फोर फैक्टोरियल क्या होता है आपका, फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, मतलब एंड में क्या होता है आपका वन आता ही है. सिमिलरली अगर आप थ्री फैक्टोरियल भी निकालते हो, थ्री इंटू टू इंटू वन आ रहा है, राइट है, टू फैक्टोरियल निकाल रहे हो तो टू इंटू वन आ रहा है, राइट है, वन फैक्टोरियल भी आप निकालोगे तो वन आएगा, मतलब कि एंड में क्या होना चाहिए, वन आना चाहिए. तो वन लाने के लिए, दैट इज थ्री टू वन के फॉर्म में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एम माइनस वन एम माइनस टू एम माइनस, क्योंकि एम तक तो रिपीट था ही, एम माइनस वन एम माइनस टू एम माइनस थ्री, मतलब कि और डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होते होते थ्री टू वन के फॉर्म में हो जाएगा. बट ऊपर लाने के लिए, करने के लिए हमें नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे कि अगर ऊपर आपको इस फॉर्म में लिखा है तो नीचे भी ऑब्वियसली करना पड़ेगा. तो इसलिए हम लोग ने क्या किया, न्यूमरेटर में इससे डिवाइड किया और डिनोमिनेटर में भी इससे डिवाइड किया, तो जिससे आपको क्या मिल जाएगा, एम प्लस एन माइनस वन एम प्लस एन माइनस टू एन सो वन एम
फिर m के बाद फिर से डिक्रीज होगा, दैट इज m माइनस वन, m माइनस टू, m माइनस थ्री एंड सो ऑन 3 to 1। तो ये क्या फॉर्म में मिल गया, दैट इज 4 फैक्टोरियल था, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सिमिलरली अगर m प्लस एन माइनस वन फैक्टोरियल रहेगा तो m प्लस एन माइनस वन, m प्लस एन माइनस टू एंड सो ऑन m, सिमिलरली फिर से डिक्रीज होगा m माइनस वन, m माइनस टू एंड सो ऑन 3 to 1। तो ये हो गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में देखिए m माइनस वन, m माइनस टू, m माइनस थ्री एंड सो ऑन 3 to 1। तो डिक्रीज इस फॉर्म में हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, m माइनस वन फैक्टोरियल। तो ये जो कि फॉर्मूला हो जाएगा y n का, दैट इज y n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a माइनस वन रेस टू n, m प्लस एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m माइनस वन फैक्टोरियल इंटू a रेस टू n अपॉन ax प्लस b रेस टू m प्लस n। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब नाउ हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करके और एक फॉर्मूला डेराइव करते हैं, दैट इज ये y n का यूज करके और एक फॉर्मूला डेराइव करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, नाउ देखिए यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, देखिए थर्ड जो फॉर्मूला डेराइव करेंगे दैट इज y इज इक्वल टू क्या है, ax प्लस b रेस टू क्या आपका माइनस m गिवन है। मतलब कि ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेशन क्या मिला, yn अगर आपको इसका कैलकुलेट करना है तो ये क्या मिल जाएगा, माइनस वन रेस टू n m प्लस एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m माइनस वन फैक्टोरियल इंटू a रेस टू n अपॉन ax प्लस b रेस टू m प्लस n। ये जो कि फॉर्मूला है m यहाँ पर क्या आपका जो पावर में जो भी वैल्यू गिवेन रहेगा उसका वैल्यू रहेगा m, n क्या रहेगा आपका nth डेरिवेटिव जो कि n का वैल्यू कुछ नहीं रहेगा, n सिर्फ आपको लिखना है, m क्या रहेगा आपका पावर में जो भी रेस टू पावर में जो भी गिवन रहेगा 2, 3, 4, तो m में आ जाएगा, राइट है। तो फार्मूला बहुत इजी है, yn इज इक्वल टू माइनस वन रेस टू n m प्लस एन माइनस वन फैक्टोरियल m माइनस वन फैक्टोरियल ए रेस टू n अपॉन ax प्लस b रेस टू m प्लस n। तो ये हो गया आपका डेरिवेशन, ये फार्मूला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अभी ना हम लोग करेंगे क्या, देखिए यहाँ पर अगर इस m की जगह पे अगर 1 सब्स्टिट्यूट कर दूं, m की जगह पे अगर 1 सब्स्टिट्यूट हम लोग कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी रेस टू माइनस वन। इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरे फॉर्म में किस फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज हम लोग इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी। समझ में आया क्या किया, देखिए यहाँ पर m की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट किया तो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी रेस टू माइनस वन। अगर आप इसे डिनोमिनेटर में लेकर जाओगे तो क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी। इसका अगर आपको वाई एन एंथ डेरिवेटिव फाइंड करना है तो सिंपली क्या करना है, जो भी फार्मूला आपको मिला है इसमें यम की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे यम इज इक्वल टू 1, पुट एम इज इक्वल टू 1 इन एग्जाम्पल 2 में। जो भी एग्जाम्पल 2 में आपको फॉर्मूला मिला वाई एन का उसमें सिंपली क्या करेंगे हम लोग एम की जगह पे 1 पुट करेंगे, तो वहां से देखिए वाई एन का वैल्यू जो मिलेगा ये सेम वैल्यू इस तरह से मिलेगा। देखिए क्या मिलेगा, माइनस वन डेस टू एन, माइनस वन डेस टू एन एम प्लस एन माइनस वन। तो यहां पर देखिए हम लोग करते हैं लिखेंगे यहां पर तो क्या मिल जाएगा, जस्ट सी देखिए क्या है यहां पर माइनस वन डेस टू एन, तो माइनस वन डेस टू क्या है एन है, एम की जगह पे हम लोग ने क्या किया 1 सब्स्टिट्यूट किया, तो 1 लेट से मैं करता हूं 1 प्लस एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय यम की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट किया तो 1 माइनस वन हो जाएगा एंड दिस इज फैक्टोरियल इंटू क्या हो जाएगा ए रेस टू एन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी रेस टू यम की जगह पे क्या पुट किया हम लोग ने 1 प्लस एन हो जाएगा, राइट है। तो जहां जहां यम था वहां वहां हम लोग ने क्या किया 1 पुट किया, क्यों, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस बी का, तो हम लोग को इस तरह से मिल गया। अब नाउ इसे हम लोग अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फार्मूला देखिए क्या मिल जाएगा, माइनस वन रेस टू एन, वन माइनस वन दैट इज जीरो हो जाएगा, तो यहां से मिल जाएगा एन फैक्टोरियल इंटू क्या आपका ए रेस टू एन, तो ए रेस टू एन हो जाएगा डिवाइड में वन माइनस वन दैट इज क्या हो जाएगा आपका जीरो फैक्टोरियल इंटू ए एक्स प्लस बी रेस टू क्या हो जाएगा एन प्लस वन। जैसे कि आपको पता है जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है, वन होता है, राइट है। जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू जीरो नहीं होता है, वन होता है, ये बात आपको याद रखना है। तो ए रेस टू एन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, जीरो फैक्टोरियल इज वन, तो यहां से जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा ए एक्स प्लस बी रेस टू एन प्लस वन। तो दिस इज योर फॉर्मूला, फॉर्मूला किसका है, वन अपॉन ए एक्स प्लस बी का। आई होप कि आपको समझ में आएगा, फॉर्मूला बहुत ईजी है। अगर आपको बोला गया वन अपॉन ए एक्स प्लस बी
तो सिंपली क्या करना है आपको, फॉर्मूला किसका याद रखना है, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस बी रेस टू माइनस एम। ये फॉर्मूला याद रखना है जो कि ये इसका nth डेरिवेटिव होता है। तो ये हो गया आपको थर्ड फार्मूला जो कि यहाँ से मिल जाएगा। थर्ड फार्मूला बहुत ईजी था, माइनस वन रेस टू एन एन फैक्टोरियल ए रेस टू एन अपॉन ए एक्स प्लस बी रेस टू एन प्लस वन। कैसे फार्मूला को याद करते हैं जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करूँ।